अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। आपके साथ बहुत ही बड़ी अपडेट से शेयर करने जा रहा हूं। क्या नजम सेठी के चेयरमैन बंती, मोहम्मद आमिर, शर्जील खान और उमर अकमल की फौरी पाकिस्तान टीम में वापसी होने जा रही है या नहीं, ठोस वजह मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में हकीकत क्या है। तो इस हवाले से आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। और इसके अलावा ये सारे खिलाड़ी जिसमें शुएब मलिक और अहमद शहजाद को भी इंक्लूड करेंगे, क्या ये बाबर आजम के लिए भाई सबसे बड़ी मजबूरी बन जाएंगे, क्योंकि नजम सेठी ने जो बाबर आजम को भाई वार्निंग दी है, तो इसके ऊपर जी आगे चल के चर्चा तो जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई उमर अकमल शर्जील खान की। दोनों की भाई बहुत ही बेहतरीन फॉर्म इस वक्त लगी हुई है। नेशनल ओडीआई कप के अंदर उमर अकमल का बल्ला जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से रन उगल रहा है। शर्जील तो रेगुलर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग उठा के देख लें या यहां पर पाकिस्तान ओडीआई कप उठा के देख लें या पीएसएल की बात कर लें, यानी कि शर्जील तो पहली परफॉर्मेंस दिखा रहा था। इसके अलावा उमर अकमल ने भी अब तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दिया है। और नजम सेठी देखेगा कि भाई टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या है, वो ये नहीं देखेगा भाई स्पॉट फिक्सिंग में प्लेयर जो पाए गए, क्योंकि इससे पहले वो रिप्रेजेंट तो कर चुका है ना, शर्जील जो है वो भी रिप्रेजेंट कर चुका है स्पॉट फिक्सिंग के बाद। तो ये भाई सवाल रहेगा कि उमर अकमल मिडिल ऑर्डर के लिए यानी कि जरूरत है, उनको मिडिल ऑर्डर के अंदर शामिल करें, तो शर्जील जहां पर ओपनिंग के लिए जो है वो तगड़ा उम्मीदवार है। तो ये दो प्लेयर तो कम अज कम सेट होते इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जी बात करते हैं मोहम्मद आमिर की। मोहम्मद आमिर जिस वक्त बड़े ज्यादा गुनगार है नजम सेठी के, तो उनके भी भाई रास्ते क्लियर हैं, लेकिन उनके लिए सिंपली ये है कि पहले बंदा रिटायरमेंट वापस ले। तो आमिर के लिए भाई आसानियत है क्योंकि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज जो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो रहे हैं, तो आमिर की भी जरूरत है फिलहाल तो पाकिस्तान की टीम को। इसके अलावा बात करते हैं शुएब मलिक और अहमद शहजाद की भी। तो भाई इनकी मैं ठोस वजह से बताने जा रहा हूं आपको, क्योंकि भाई ये ऐसे खिलाड़ी है, शहजाद को भाई बिना परफॉर्मेंसेज के यानी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो भाई किस तरह को टीम के अंदर शामिल किया जाएगा। तो यानी कि शहजाद को पहले अपनी फॉर्म जो बहाल करनी पड़ेगी, उसके बाद उनको देखना पड़ेगा। तो बड़ा मौका है बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर उनके पास शुएब मलिक। T20 के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, लेकिन लेट्स सी देखते हैं कि शुएब मलिक आगे कदम बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते। शुएब मलिक के लिए भी आसानी है कि वो टीम के अंदर भाई आ सकते हैं। बाबर आजम की बात करें तो भाई नजम सेठी उनको क्लियर कह रखा है कि भाई यानी कि अब आपकी वो मनमानी तो कम अज कम नहीं चलेगी, यानी कि जो टीम की रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी, उसको लेकर ही आपको चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि अपनी मर्जी के आप जो प्लेयर खिलाएंगे। तो यानी कि ये एक बड़ा डिसीजन है, बाबर आजम के लिए मजबूरी बन जाएंगे ये तमाम खिलाड़ी जिनको खिलाना। अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना।